पिछले 40 वर्षों से शिवमंडल गोंदिया और सिंधी नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति गोंदिया के संयुक्त तत्वाधान में 40 वर्षों से इस दुर्गा मंडल में माता जी की स्थापना होती है और यहाँ सबसे गोंदिया का आकर्षण केंद्र है। बड़ी दुर्गा जी के नाम से फेमस है। गोंदिया ही नहीं, गोंदिया के आसपास के तहसील के जिले के भी लोग यहाँ माता जी के दर्शन और यहाँ की भव्य झांकी के दर्शन करने आते हैं। यह स्थापना पिछले 40 वर्षों से सतत चल रही है। दौलतराम मुंडानी है, मैं इस समिति का सचिव हूँ। विगत 40 साल से हम यहाँ माता जी की स्थापना करते हैं और हर साल कुछ न कुछ नया धार्मिक हम आयोजन करते हैं। जैसे इस साल हमने चारधाम यात्रा का यहाँ पर इवेंट रखा है, चारधाम की झांकियाँ रखी है। कईयों लोग ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं रहता, जो धाम चारधाम नहीं जा सकते। कईयों लोगों को कुछ आर्थिक परेशानी रहती है जो चारधाम यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग इस साल ये चारधाम का आयोजन किया गया है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ और रामेश्वरम धाम और द्वारका धाम हमने ये थीम रखे हैं, ताकि वो लोग भी जान सके कि चारधाम यात्रा में क्या क्या होता है और क्या क्या अनुभव मिलता है और कौन कौन से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। हमने इस साल आयोजन के द्वारा उनको ये दिखाने की कोशिश की है। रूप से कहना चाहूँगा इस चौक के बारे में, इस स्थापना के बारे में, कि धार्मिक आयोजन के साथ साथ यहाँ जो एक सुंदर बाजार सस्ता है, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है और दूसरी जो हमारी थीम रहती है लोकल फॉर वोकल की, यहाँ पे भी स्थानीय लोग अपने उत्पादन, जैसे महिला मंडल अपने पापड़ अचार और अपने दूसरे चप्पल जूते खिलौने रेडीमेड जो भी लोकल फॉर वोकल के लिए यहाँ होता है, वो एक बाजार भी माँ के दरबार के साथ साथ सुंदर एक खरीदारी का बाजार भी सस्ता है का उद्घाटन हुआ है और कुछ लोगों में धार्मिक आस्थाएं भी बढ़ी है और ये गोंदिया एक धार्मिक नगरी है। यहाँ MP और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और MP से भी लोग आते हैं। इसी थीम पे हमने इस बार ये हनुमान जी यहाँ पर बनवाए हैं